सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद अब जो है यही आसार बिहार में भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिहार में जिस तरह से कुछ दिन पहले एआईएमआईएम पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी पार्टी का साथ दिया था और आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे, इसके बाद देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक संकट आने के पूरे संकेत है। वही दूसरी तरफ अगर आरजेडी पार्टी की बात करें तो अभी लालू यादव की तबीयत जो है काफी गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है, जिसकी वजह से अब आरजेडी पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ रही है। जैसा कि बिहार में देखा गया है कि आरजेडी पार्टी का नेतृत्व हमेशा से लालू यादव ही करते हुए नजर आए, अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि लालू यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब बिहार में क्या कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे और पार्टी का नेतृत्व जो है पूरी तरह से अब उनके कंधों पर आ जाएगा। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो जिस तरह से लालू यादव के पुराने दोस्त माने जाते हैं नीतीश कुमार, और अब नीतीश कुमार जिस तरह से मिलने पहुंचे अस्पताल में, इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं नीतीश कुमार। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से जो है बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई और यहाँ पर जो गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी के बीच वो काफी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जो है बीजेपी से खुश नहीं है, नाराज है, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायक जो है अब आरजेडी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो महज 6 विधायकों से दूर है यहाँ पर तेजस्वी यादव अपनी बहुमत पेश करने के लिए। तो जो आसार यहाँ पर महाराष्ट्र में देखे गए थे, बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर तख्ता पलट किया था, वही चीजें अब उल्टा बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में तो नहीं यहाँ पर बिहार में होते हुए दिखाई दे रही है। और अब बिहार की राजनीति किस तरह से बीजेपी पर भारी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर नीतीश कुमार क्या अपनी सीएम कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर आरजेडी पार्टी जो है अभी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार में, और तेजस्वी यादव जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, मुसलमानों का सपोर्ट जो है अब उन्हें मिल चुका है। वहीं अगर यादवों की बात करें तो यादव वोट बैंक भी आरजेडी पास है, तो ऐसे में क्या जेडीयू पार्टी के विधायक आरजेडी के साथ मिलकर यहां पर तख्ता पलट कर सकते हैं बिहार में, और बीजेपी को क्या इससे बड़ा झटका लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी आरजेडी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर लालू यादव की तबीयत को लेकर दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। उनकी तबीयत को लेकर तमाम बिहार में नेता जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग जो है फोन कर उनके हालचाल को जान रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत पर भी सबकी नजरें हैं और आने वाले समय में अब बिहार की सियासत किस करवट मोड़ लेती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।